गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ लाई हूँ एक नई चीज। आप सोचेंगे क्या, लॉकडाउन की वजह से जैसे हमारी जो हम ज्वेलरी रेगुलर पहनते हैं वो गंदी हो जाती है, तो मैं आपको घर में ही बताऊंगी कि हम कैसे वॉश कर सकते हैं। जो हमारे घर में सामान पड़ा होता है उन्हीं चीज़ों से हम वॉश करेंगे। तो ये रेगुलर चीज़ें हैं जो मैं घर में पहनती हूँ, मतलब जो मैं डेली पहनी रहती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी पायल है, ये है चांदी की, आप देख सकते हैं ये गंदी हो रही है। ये मेरी रिंग है कछुए वाली, ये भी आप देख सकते हैं। वैसे मैं वॉश करती रहती तो मेरे इतने गंदे नहीं होते, पर थोड़ा बहुत है। एक और सिल्वर रिंग मेरी, ये भी, ये देखो बाहर से तो बिल्कुल क्लीन है क्योंकि मैं वॉश करती रहती तो इतने गंदे नहीं होते, पर अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, आपका दिख रहा होगा। तो जैसे हम बर्तन वर्तन मांजते हैं तो उसका थोड़ा बहुत चला जाता है, तो वो थोड़ा बहुत गंदा है, आपको दिख रहा होगा। और ये वाली है मेरी गोल्ड की ज्वेलरी, ये है चेन जो मैं डेली पहने रहती हूँ। बाली, ये भी मैं डेली पहने रहती हूँ, ये वाली बाली भी डेली। और ये छोटे छोटे टॉप्स, ये भी मैं डेली पहनती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर ये छोटे छोटे, देखो ये काला काला हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं वॉश करती हूँ हर महीने, तो आपको आपके साथ इस बार शेयर करती हूँ। ये वाली भी मेरी थोड़ी सी गंदी हो रही है, मेरी वैसे साफ़ है, आप देख सकते हैं। ये वाली बाली हो रही है गंदी, ये दिख रहा होगा आपको ब्लैक ब्लैक। इसमें चेन भी मेरी आप देख सकते हैं साफ़ है, पर इसके जो ज्वाइंट होते हैं ना, तो हम गले में पहने रहते हैं तो उसके पसीने से गंदी हो ही जाती है। तो मैं आपको ईजिली घर में ही सिखाऊँगी कि हम कैसे वॉश कर सकते हैं। तो मैं इसमें यूज़ करूँगी वाइट विनेगर, मेरे पास ये घर में ही रहता है, मैं यूज़ करती हूँ, जैसे खाने में भी या किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास है। तो आप भी विनेगर हो तो वो यूज़ करें, नहीं तो बाजार से इजीली ये मिल जाता है। तो मैं बड़ी बोतल ला रखी है मैंने, क्योंकि मुझे हर चीज़ में मुझे यूज़ करना होता है किसी न किसी चीज़ में। इससे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, मैं आपके साथ आगे आगे शेयर करूँगी। तो अभी हम ये देखते हैं, ये है खाने वाला सोडा, चाहे कपड़े वाला कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये मेरे डब्बे में रखा हुआ है क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो चलते हैं फिर आगे। ये एक बाउल ले लिया मैंने, ये मैंने एक ढक्कन डाल दिया सिर का, मैं और डालूंगी, आप देख सकते हैं इसमें ये दो ढक्कन भर के मैंने डाल दिया। ये है सोडा, अब मैं इसको इसमें डालूंगी, आप देख सकते हैं कैसे झाग निकल गए। मैं तो अंदाजे से ले रही हूँ, आप एक चम्मच ले सकते हैं, आधा चम्मच, ये देखो कितने झाग निकल गए। पीछो याद, अब इसी में डाल दूंगी मैं अपनी गोल्ड की चेन, इयर रिंग्स, आप देख सकते हैं कितने बबल्स निकल रहे हैं। ये सिल्वर भी मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। इसमें हाथ लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके हाथ को रैशेज हो जाएंगे। हाँ, इस जिसकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो यूज़ कर लीजिए चम्मच या किसी भी चीज़ का। आप देख सकते हैं इसमें कैसे बुलबुले निकल रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि थोड़ा हमारा अच्छे से डिप हो जाए, इसलिए आप देख सकते हैं सारा सामान अच्छे से डिप हो गया, बुलबुले निकल रहे हैं। कुछ नहीं करना, अब हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है, बीच बीच में इसको से ऊपर नीचे करते जाइए ताकि ये अच्छे से इसकी सारी उसमें चला जाए अच्छे से। इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें मैं तीसरी चीज़ ऐड कर रही हूँ नींबू, मेरे पास इतना ही है, आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना ही है घर में। वैसे आधा नींबू डाल लो तो देख सकते हैं कैसे बुलबुले से आ रहे हैं, देखो इसको डालते ना ऐसे आ रहे बुलबुले से। मैं इस नींबू को ना इसी में डिप कर दूँगी, ये देखो, क्योंकि सिरका सोडा ये तीनों चीज़ ना क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो कैसे बुलबुले निकल रहे। अब मैं इसको छोड़ दूँगी 2 घंटे के लिए, तो फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे भीगे हुए हो गए हैं 4 से 5 घंटे, आप देख सकते हैं इसका कलर हो गया है चेंज, देखो अब इसे कैसे ये शाइनिंग कर रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो वीडियो में तो। ये ना इसमें नींबू का कलर आ रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ हम कैसे साफ़ करेंगे, आपके पास ऐसा कोई भी ब्रश हो, वेस्ट ब्रश,
मैंने ले लिया ये वाला कोलगेट, वाइट कोलगेट हो तो वो भी अच्छी बात है, नहीं भी हो तो ये वाला ले लो। अब मैं इसको ऐसे ब्रश में निकाल लूँगी, ये जो मेरे पास ब्रश है वेस्ट है। थोड़ा सा मैं इसमें सर्फ डाल दूँगी, देखो थोड़ा सा डाला। अब मैं आपको पहले रिंग करके दिखा देती हूँ। आपको दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया, तो इससे ना आप इजीली घर पे ही कर सकते हो, मार्केट जाने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ एक दो मिनट करके। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने हाथ में ये सारा एक साथ ले लिया है, बाली है मेरी दोनों जो मैं आपको दिखा रही थी, ये टॉप से मैं अब इसको ऐसे ही रब करूंगी। आपको ना इसे आराम आराम से रब करना, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करना देखते जो टूट जाए चीजें, तो आराम आराम से ऐसे रब करेंगे बस एक दो मिनट। देखो फ्रेंड्स, ये बाली है, मैंने आपको दिखाई थी ना काली काली हो रही है, अब देखो कितनी साफ हो गई है, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं आपको लास्ट पाइल करके दिखाती हूँ। ये मैंने पाइल ले ली, इसको ना मैं ऐसे करके रखूंगी हाथों पे, इससे ये इजिली वॉश करने के लिए हो जाएगा। रख ली, अब मैं इसको ऐसे ही रब लूंगी। देखो फ्रेंड्स, मेरी पजे आप देख सकते हो पहले से कितनी साफ हो गई है। ये मैंने कोलगेट ले लिया है, दोबारा कोलगेट ले लिया, अब मैं इसको रब करती हूँ। एक्चुअली मैं हाथ से ले रही हूँ, गुन्नू को बॉल निकाल ली थी, हाथ में आ गया चूहा। आपको दिख रहा है ये वाला जो पानी ना, मैं इसे यूज भी कर रही हूँ, ये पानी ना खराब मत करना, इसे आप इसे टॉयलेट या सिंक धोने में यूज कर सकते हो। ये मैंने अच्छे से कर लिया रब, मैं इसे अब साफ पानी से वॉश करूंगी। आप जब ये काम करें ना, तो कुछ अच्छा सा ऐसे बर्तन ले लीजिए, ये देखो कितना क्लीन हो गया। अगर दिख रहा होगा आपको तो, फोटो में नहीं आ रहा वीडियो में, देखो एकदम क्लीन हो चुका है। तो मैं इसे साफ पानी से धोऊंगी। आप जब भी ये काम करें ना, जैसे ऐसी जगह करें कि बाई चांस अगर ये पानी में ऐसे जाए तो आपको नजर आए, मैंने आपको दिखाने के लिए किया। देखो जैसे मेरा ये इयररिंग्स गिर गया था, तो इसीलिए इसे आप केयरफुली केयर करना, हमें इसे मग्गे में डालेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी ज्वेलरी एकदम हो चुकी है नई, देख सकते हैं बिल्कुल, ये भी कितना शाइनिंग कर रही है चेन। मैंने दिखाती हूँ मैं बाली आपको। तो फ्रेंड्स, आप भी घर में ही सिर्फ 5 चीज़ों की हेल्प से आप घर में ही अपनी ज्वेलरी क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत इजी टेक्निक है जिससे आपकी ज्वेलरी एकदम क्लीन हो जाएगी। जैसे मैंने ये छोटी चीज़ें की है, आप इसी हैक से जैसे अपने गले का नेकलेस, उसके मैचिंग के इयररिंग्स जो होते हैं हमारे टॉप्स गोल्ड के, वो कोई भी चीज़ मतलब आपको कर सकते हैं आप घर में इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बस केयरफुली करना है कि जब भी आप इसे सर्फ में से निकाल के वॉश करें तो आप नाली या सिंक के पास मत बैठना, ऐसी जगह बैठना जो वॉश करें तो वो वहाँ ज़मीन पे गिरे तो आपको पता लग जाए, जैसे कोई चीज़ गिरे। जैसे मैंने वॉश किया तो मेरा ये इयररिंग्स का है जो पेयर, तो जो इसके पीछे का जो डांट होता है वो गिरा, तो नीचे ही गिरा तो मुझे पता चल गया। तो देख सकते, तो आप भी ऐसे ही कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये हैक पसंद आए तो बिल्कुल आप घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ज्वेलरी एकदम हो चुकी है शाइनिंग। चेन आपको अगर नज़र आ रही होगी, पास से दिखाती हूँ मैं, कितनी चमक रहा है ज्वेलरी, देखिए गणेश भगवान कितने शाइनिंग मार रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल हो चुका है, पता नहीं आपको वीडियो में आ रहा नहीं, लेकिन वाकई में ये बहुत शाइनिंग मार रहा है। और ये देखिए, टॉप्स भी बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, अगर आपको दिख रहा हो बाली, आप देख सकते हैं सुबह कैसे ब्लैक ब्लैक हो रही थी, मैंने वीडियो में दिखाया था। ये वाली बाली देखो, एकदम इसके जो वो है वो एजेस बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। देखो अब मैं रिंग दिखाती हूँ, सिल्वर अच्छी वाली रिंग देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, अंदर से भी बिल्कुल जैसे सुनार क्लीन करते हैं ना, बिल्कुल वैसी हुई है। रिंग देखो आप, रिंग कितनी क्लीन हुई है, अंदर से दिखाती हूँ मैं, देखो एकदम नीट एंड क्लीन, देख सकते हैं आप कितनी शाइनिंग कर रही है। और ये मेरी पायल, ये देखो सुबह के कुंडे कितने काले हो रहे थे, आप वीडियो जैसे शुरू से देखिए तो आपको पता लग जाएगा, देखो कितना क्लीन है ये देखो। तो अगर आपको मेरा ये हैक पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना
और शेयर भी, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल बटन दबाना मत भूलना ताकि उससे आपको पता चले मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको पसंद आया मेरा ये वाला हैक तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।